जालौर का नाम तो आपने सुना होगा। अभी हाल ही में एकाएक बहुत चर्चा में आ गया था। आज आपको जालौर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। ये घटना, ये दृश्य अपने आप में इकलौता उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास है। पर सामान्यतः परिवार भाव, अपनत्व, कर्तव्य भाव के साथ संपन्न इन प्रसंगों का लोग प्रचार प्रसार नहीं करते, क्योंकि मन का संस्कार है। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर का एक गांव सांकरना है। जातिगत विद्वेष के कथित माहौल में ये सुग्ध खबर आई है, जहां गांव के सभी लोगों ने मिलकर हरिजन समाज की एक बालिका को गांव की बेटी मानते हुए धूमधाम से उसका विवाह किया और सामाजिक समरसता की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। जालौर जिले के सांकरना गांव में दलित समाज वर्ग की विधवा महिला, जिसके पति जगदीश कुमार वाल्मीकि का देहांत हो चुका है, पुत्री का विवाह धूमधाम से गांव के व्यक्ति सुरेश सिंह पुत्र भैरू सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों ने किया। सुरेश सिंह राजपुरोहित ने अपने स्वयं के घर में शादी करवाकर कन्यादान किया और शादी के दौरान उस कथित दलित परिवार को परिवार भाव के साथ अपने अपने घर में रखा। बैंड व ढोल थाली से सभी ग्रामवासियों द्वारा बरात का स्वागत किया तथा कथित उच्च वर्ग की महिलाओं ने सज धज कर मंगल गीतों के साथ वाल्मीकि समाज के दूल्हे का स्वागत किया। उसी प्रकार गांव के सभी लोगों ने अपनी बेटी को विदाई भी दी। विशेष बात यह कि स्वच्छता कार्य करने वाली महिला का गांव भर में व्यवहार और विनम्रता इतनी अच्छी कि गांव के साथ अनेक प्रवासी भी इस विवाह समारोह के लिए मुंबई से गांव तक आए। बारात का स्वागत कर सुंदर टेंट हाउस व्यवस्था से सुरुचिपूर्ण भोजन के साथ ही कन्या को कन्यादान में 7 तोला सोना, आधा किलो चांदी, घर गृहस्थी के सभी भौतिक संसाधन, बर्तन, कपड़े, नगद रुपये भेंट किए। बता दें, गांव भर के लोगों ने अपने गांव की बेटी के लिए इतने उपहार दिए कि ट्रैक्टर की ट्रॉली भर गई। सर्व समाज के लोगों ने कन्यादान में राशि दी और सुरेश सिंह राजपुरोहित, गोपाल सिंह सहित अनेक लोगों ने समस्त मेहमानों का सम्मान किया। अच्छे काम करना, लगातार करना और अच्छे कार्यों की लाइनों को बड़ा करते जाना ही पुराने घावों का इलाज है।